गाइस, मेरा नाम है बिट्टू बघेल और आप देख रहे हैं बिट्टू बघेल ब्लॉग यूट्यूब चैनल, जिस पे दो कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये दो कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे पास 14 जुलाई को आए हुए हैं, जो कि 90 दिन बाद हटेंगे ये। और आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मेरा बस यही मोटिव है कि मैं आप लोगों को हर एक वो चीज़ डिटेल में बताऊं कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है और कैसे होता है। बट ये ब्लॉग चैनल है और इस पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों को कि जो मैंने गलती की है ना, आई होप आप लोग वो गलती ना करें। और जो गलती मैं कर चुका हूँ वो गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो मैं भुगत रहा हूँ ना, दो दो कॉपीराइट स्ट्राइक, एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक और एक एक्टिव स्ट्राइक, तो भाई टोटल मिला के हो गई मेरे पास चार स्ट्राइक मैं ले चुका हूँ और चारों अभी एक्टिव हैं, चारों चल रही हैं। अब ये देखते हैं, बाकी मेरे चैनल पे मैं फिर भी काम बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं चैनल पे काम बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर ही वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे लगता है आज नहीं, कल नहीं तो परसों मेरा चैनल ग्रो ज़रूर होगा। और वो ग्रो कैसे होगा वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे अंदर ना उतना कॉन्फिडेंस है और उतनी ताकत है कि मैं इस चीज़ को हासिल करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी कितना रोके मैं नहीं रुकने वाला। और मैं आप लोगों को वो चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू। गाइस, जो गलतियां मैंने की हैं ना, वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो जो मैंने गलती की ना, मैं वो गलतियाँ आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को ना दो कॉपीराइट स्ट्राइक, एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक और एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, जी मेरे पास चार स्ट्राइक पड़ी हुई हैं। वो चार स्ट्राइक क्यों पड़ी हुई हैं आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। ये मेरे पास क्यों हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं, क्योंकि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है और मैं इस पर ना एक अभी रिसेंट में सो अभी मैंने रिसेंट में ना बिग बॉस की कुछ क्लिप उठा के अपने चैनल पर डाल ली थी, मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं करा था मैंने, 10-12 सेकेंड की मैंने क्लिपें यूज़ कर रखी थी। उन पर मेरे को पहली तो कम्युनिटी गाइडलाइंस मिली, जिसकी एक्टिव स्ट्राइक होती है वो नहीं हटती है, कभी भी नहीं हटती है। और फिर मैंने दूसरी गलती ये कर दी कि मुझे इस चीज़ नहीं मालूम थी और मुझे नहीं पता लगा इस चीज़ का, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने शायद रिटर्न में दूसरी वीडियो डाल दी और फिर उस पर एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक लग गई। तो मैंने फिर मैंने गलती क्या की है कि मैंने ना उस वो वाली वीडियो को ही डिलीट कर दिया, नहीं तो वो हट जाती और वो वीडियो का मेरे पास लिंक होता तो। बट फिर भी मैंने चलो ठीक है छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद एलबीएस यादव जो था ना, फिर वो ब्लॉग में बिग बॉस में गया, फिर मैं एक गलती मैंने और कर दी कि उनके चक्कर में मैंने वो चीज़ अपलोड फिर से कर दी और फिर मुझे स्ट्राइक आ गई। तो मैंने सोचा शायद मुझे स्ट्राइक इसी थंबनेल की वजह से आ रही है, या उसको कोई प्रॉपर रीज़न नहीं था, मुझे लगा शायद कोई थंबनेल की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैंने थंबनेल फिर चेंज करा। फिर मैंने मतलब वीडियो चल रहा था अच्छा, बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। और मुझे लगा कि शायद ये चीज़ कहीं नहीं कहीं मुझसे दिक्कत दे रही है, तो फिर मैं रुका और फिर मैंने एक 2 सेकेंड की क्लिप उठाई और मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की और फिर से वो 24 घंटे के अंदर फिर से मेरे पास दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। तो मेरी गलती क्या हुई, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने गलती क्या की। होगा ना, किसने गलती कुछ भी की है, मतलब इसको समझ में क्यों नहीं आया। तो दोस्तों मैंने गलती ये की है कि मैंने जो टाइटल, जो टैग, जो कुछ भी था वो बिग बॉस का ही कॉपी कर लिया। भाई साहब, बिग बॉस का ही कॉपी कर लिया मैंने और उन्होंने सर्च में आ गया, वो वीडियो तो खैर वायरल चल रहा था, बट अब बहुत ज़्यादा डाउन हो गया मेरा चैनल। और भाई साहब सर्च में आ गया तो उन्होंने पेल दिया अपन को। पेलने के बाद क्या हुआ, फिर भी मैं नहीं माना भाई, फिर भी नहीं माना मैं, और फिर भी मैंने बम दिना से दूसरा वीडियो डाल दिया। ओ भाई साहब, दे स्ट्राइक चार चार लगवा के बैठ गए हैं और बस अब खाना खा रहे हैं, जरा क्योंकि खाना ये बैठे हुए हम और ये वीडियो बना रहे हैं कि भाई आप लोगों को भी पता लगे कि भाई साहब क्या क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, बहुत सन्नाटे हैं। अब से आज से भाई किसी का थंबनेल नहीं,
किसी का कुछ नहीं, ना किसी का टैग, ना टाइटल, कुछ भी कॉपी नहीं, सब कुछ अपना करना है। अगर आपको वीडियो ग्रो करना है या वायरल करना है तो भाई अपना करो, अपना डालो, तभी आप ग्रो कर पाओगे, वरना यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर पाओगे। ये बहुत मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप अपना कंटेंट डालोगे ना तभी ग्रो कर पाओगे। सौरभ जोशी हुआ, अनुराग डोभाल हुआ, जट प्रभजोत, एलवेश यादव, अरजीत, लक्ष्य चौधरी, भाई ये सारे के सारे ना अपना कंटेंट डालते हैं, किसी का कंटेंट नहीं उठाते भाई, ये इसलिए इतने वायरल हैं इसीलिए। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी, बट एक नेक्स्ट वीडियो और बनाने वाला हूँ मैं, जो कि यूट्यूब से रिलेटेड है और उस पर आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना चैनल को, क्योंकि ब्लॉग वीडियो बहुत जल्दी खतरनाक आने वाले हैं ZX10R के साथ। ZX10R के साथ ब्लॉग आने वाले हैं अपने, बहुत खतरनाक क्रेजी सीन होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बस और कुछ मत करो, एंजॉय करो वीडियो को बस।